आदमी हमेशा कुछ खराब ही करना चाहते हैं। मैंने कभी दो लड़कियों को डिस्कस करते नहीं सुना कि फेयरवेल पे ना बाथरूम का शीशा तोड़ेंगे। ये काम सिर्फ हम आदमी करते हैं। जिस घर में भाई होते पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, लड़का पैदा होता है अपना बड़ा भाई देखता है और सोचता है ये तो नहीं बनना। हम तीन भाई में इतनी वैरायटी, सबसे बड़ा भाई थोड़ा तमीजदार आदमी है शक्ल से, अंदर से बकचोदी है। मैं तो छोटा भाई हूं, उसको काम करवाना होगा बोल देगा भाई पानी पिला दे यार, मैं ले आता, कोई बात नहीं। मेरा बीच वाला भाई ड्रामा, मुझे कहता पानी पिला दे मैं बैठ जा रहा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। छोले फंस गए। मैं भाई ले आता हूँ यार, ये घटिया एक्टिंग ना कर मेरे सामने। मेरा सबसे बड़ा भाई प्रॉपर टॉपर आदमी है, उसको पढ़ने का शौक है। मैं सोच रहा पढ़ाई और शौक सेम लाइन में कैसे आ रहे हैं। बात सही है। उसको पढ़ने का मैं हूँ आखिरी मिनट वाला, मैं रात को पढ़ता सुबह फोड़ता हूँ। तीसरा भाई मिडल वाला, वो होते ना बच्चे जो पेपर का प्रिंसिपल को कहते सर ये बाहर से आया है। प्रिंसिपल कहता बेटा सिलेबस में है क्या? सर औकात के बाहर। इतना फर्क है हम तीन भाइयों की पर्सनैलिटी में। लेकिन हमारी खासियत, जिस घर भाई, हमारी एक छोटी सी खासियत होती है वो ये है कि जब भाई साथ में है ना, जब भाई साथ में हमारी ना फटनी बंद हो जाती है। हम में कोई डर खौफ नहीं होता, भाइयों में मौत का भय होता ही नहीं। भाइयों का बस लाइफ में एक रूल होता है कि लाइफ में कुछ बन जाओ शिकायत ही टट्टू नहीं बनना। ये बाप को जाके मुखबरी नहीं करनी, ये बहन भाई में होता है कि तुमने मारा उसने मारा, तुमने मारा जोर से लग गया पापा। भाई कभी शिकायत लगाते। हम तीनों भाई अभी बहुत एस्टैब्लिश लोग हैं, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सब छोड़ के स्टैंड अप कर रहा हूं। दूसरा भाई MBA, तीसरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, शाबाश। बचपन में लौंडे उठते हैं रोज सुबह एक ही चीज सोचते हैं कि आज हमारी मौत कैसे हो सकती है। हम तीनों भाई रोज मरने से इतने पॉइंट से बचे हैं, कई बार सर इसलिए नहीं मरे क्योंकि यमराज की हंसी निकल गई। ये हरामजादे कर क्या रहे हैं, पूरा देखते हैं पूरा देखते हैं। मैंने एक बार अपने मुंह में मरकरी वाला थर्मामीटर तोड़ दिया था। मेरा दूसरा भाई एक ऑटो में से कच्चे केले तोड़ा था, उसी ऑटो के नीचे आ गया था। और हमारा सबसे बड़ा भाई ऐसा मजाक में हाथ से पंखा रोक के दिखाता था। हम भाई नहीं है, सर्कस है हम लोग। लड़कियों को आइडिया ही नहीं है कि जिस घर में सिर्फ भाई होते क्या हरकतें करते हैं। मेरा बड़ा भाई मेरे पास यू करता था, छाती फुलाता था, फिर कहता मुक्का मार कुछ नहीं होगा। हमने एक बार एक गेम खेली कि एक भाई ऐसा कार्डबोर्ड का पीस पकड़ेगा और बाकी भाई उस पे चाकू मारेंगे। ये बकवास क्या जुलूम, और जिसका मिस हो गया वो आउट। मैं कौन सा, ये वाला के वो वाला? रोज नया कांड रोज। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए ना, मेरा बड़ा भाई उनको बोलता था मेरा छोटा भाई है ना ऐसा भाग के दीवार में सिर मारेगा कुछ नहीं होगा। एक आम घर में बेड होता है, उसे हम कहते हैं चारपाई। चारपाई क्यों कहते हैं? हमारे बेड के पांच थे क्योंकि पांचवां सेंटर में लगवाया था, क्योंकि वहां पे खड्डा हुआ था, क्योंकि उसमें मैं गिरा था, क्योंकि बड़े भाई ने चोक स्लैम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पता चोक स्लैम डाल दिया, हम लोग रेसलिंग खेल भी नहीं रहे थे। मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं मूतने के लिए उठा था, मैं जा रहा था, अचानक मुझे पंखा दिखा।